बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 85 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतार दिया है, तो वहीं चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत भी बीजेपी ने झोंक दी है। दूसरे ओर प्रत्याशी बदलने की मांग को लेकर जशपुर से रायपुर आए आदिवासियों का तीसरे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी है। डूमरतराई स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय कुशाम्भाऊ ठाकरे परिसर में जशपुर बीजेपी कार्यकर्ता प्रत्याशी बदलने की मांग पर अभी भी अड़े हुए हैं। शुरुआती तौर पर बीजेपी के अन्य नेताओं ने उन्हें भरपूर समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। इसके बाद सोमवार यानी कि 16 अक्टूबर को उनसे मिलने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पहुंचे। साव ने हाथ जोड़कर सभी को घर जाने के लिए कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो हाई कमान से बात करेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि पहले बात करिए फिर मानेंगे। ठोस आश्वासन के बाद ही धरने से हटने की बात कार्यकर्ताओं ने कही है। इस दौरान कई कार्यकर्ता साव से बात करते हुए रो भी पड़े। बीजेपी ने जशपुर से रायमुनि भगत को प्रत्याशी घोषित किया है, जबकि कार्यकर्ता पूर्व मंत्री गणेश राम भगत को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। वो पिछले 3 दिन से बीजेपी कार्यालय के बाहर धरने पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि रायमुनि भगत के समर्थक में कोई भी कार्यकर्ता प्रचार या फिर प्रसार नहीं कर रहा। साव ने आश्वासन दिया है कि उनकी बातें हाईकमान तक पहुँचा दी जाएगी और भगत समेत सभी कार्यकर्ताओं का पार्टी सम्मान करती है। आपको बता दें कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जशपुर विधानसभा क्षेत्र में गणेश राम को लेकर भ्रम फैलाया गया है। उनके बारे में कहा गया है कि अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, चल फिर नहीं सकते, उनका पैर टूट गया है और वो व्हीलचेयर पर चलते हैं, जबकि पूरा देश जानता है कि सच्चाई क्या है। एक साल में 120 आंदोलन गणेश और राम ने किया है। अगर वो चल फिर नहीं सकते तो फिर आंदोलन कैसे किएगा। इसे लेकर रिपोर्ट भी आई है। अफवाह फैलाई गई कि वो बीजेपी के विरोध में काम कर रहे हैं। नाराज कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि साल 2013 से 2023 तक विधानसभा को खड़ा करने का काम गणेश राम भगत ने किया है। आपको बता दें कि रात में भी आदिवासी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर के बाहर गेट के सामने सोकर अपना विरोध जारी रख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी की लिस्ट जारी होने पर गणेश राम भगत का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। इसमें वो टिकट नहीं मिलने पर भावुक होकर फूट फूट कर रो रहे थे। वायरल वीडियो में भगत जनजातीय सुरक्षा मंच के कार्यकर्ताओं की बैठक में जशपुर सीट से टिकट नहीं मिलने पर लोगों को संतावना भी दे रहे थे। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं के आश्वासन के बाद भी टिकट नहीं मिलने पर वो भावुक होकर रो पड़े थे। अब आगे इस मामले में क्या कुछ अपडेट आता है वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।